संस्कारधानी जबलपुर में सफाई कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को एक बार फिर रांझी थाना क्षेत्र बुधुकाछी के बाड़े में कचरा कलेक्शन कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है, जहां एक्टिवा सवार युवक का डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के कर्मचारियों से विवाद हो गया, जिसके बाद युवक ने कर्मचारी दीपक नेहरा के पैर पर गाड़ी चढ़ा दी। घटना से नाराज सभी डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कर्मचारियों ने रांझी पुलिस थाने का घेराव करते हुए आरोपी युवक बबलू दुबे को गिरफ्तार करने की मांग की है। ये आज की घटनाक्रम कुछ ऐसा है कि बुधुकाछी का बाड़ा है मानेगांव स्थित, वहाँ पर नगर निगम कर्मचारी जब अपना कचरा उठाने गए थे, एकत्रित करने गए थे, तो उसी पर से गाड़ी बैक करते टाइम कुछ विवाद हुआ है और एक स्कूटी वाले लाल कलर की स्कूटी थी एक्टिवा, उसमें बबलू दुबे नाम के व्यक्ति ने नगर निगम कर्मचारी दीपक के साथ मारपीट करी। तो वही देखते हैं, अभी तो मुलायजा कराने के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद आरोपी के लिए तलाश करने के लिए भेज दिया गया है। सीता मोबाइल और पेट्रोलिंग रवाना है, मुलायजा करा के अगर प्रार्थी वापस आता है तो उसकी FIR दर्ज हो जाएगी। कचरा ले रहे थे हम, तो उसको मैं बोल भी रहा था वो अंकल को रुक जाओ दो मिनट, सब लेडीज से खड़ी रही, वो कचरा पलटा रहा था, वो नहीं माना, एकदम से घुस के पाँव चढ़ा दिया पाँव के ऊपर गाड़ी। कौन है ये और ये कहाँ का है? संदीप। कौन था ये जिनने आपकी गाड़ी पे चढ़ाया? नाम बताना। बबलू दुबे। कहाँ के हैं ये? गुड्डू कच्ची का वाला। अपना नाम बता दी। मेरा नाम दीपक नाहर। जो रिपोर्ट खबर मध्य प्रदेश।